अभी सर सिगाची इंडस्ट्रीज देखिए, SIGACHI, जबरदस्त तरीके का एक कुछ एक्शन आया है, 17.5% की तेजी अभी भी दिखा रहा है। क्या स्पाइक है और इसमें कुछ बनता है कुछ मौका स्विंग के लिए? सर स्पाइक के साथ शायद स्टॉक सर्किट पे लगा है या सर्किट लगना बाकी है अभी उसका अभी लग शायद रहा नहीं पूछ रहे। है। एक बार इसका सर वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि बड़े वॉल्यूम के साथ राइजिंग वॉल्यूम के साथ ही ये ब्रेकआउट दे रहा है या जस्ट यहाँ पे देख रहा हूँ तो वॉल्यूम भी बहुत तगड़े हैं और प्रीवियस जो लास्ट उसके 6 महीने के वॉल्यूम के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो लास्ट 6 मंथ के वॉल्यूम के कंपेरेटिवली भी आज का वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है और आज का जो कैंडल है ये सस्टेनेबल रहेगा और एक बड़ा मुनाफा के लिए स्टॉक रेडी भी हो सकता है। करंटली सिगाची इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है 324 पे। करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है बट थोड़ा सा डर आपके मन में रहेगा कि 17-18% इतना ऊपर है तो बाय करें और कल नीचे आ गया तो क्या है। बट स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। तो करंट मार्केट प्राइस 324 से अगर नीचे में 320 रुपये तक मिलता है तो आप बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 315 रुपये का, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 7 रुपये का स्टॉप लॉस आता है। इसमें जो पहला टारगेट रखना है वो 340 रुपये का है और दूसरा टारगेट है 355 रुपये का। ठीक है सर, एक बड़ा ब्रेकआउट भी मिल सकता है ना अगर ये लेवल्स को निकलता है ऊपर, ये वाला 330 के आसपास से ऊपर निकलता यस है। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर कैंडलस्टिक में देखे सर वो उसका परफेक्ट ब्रेकआउट अभी भी हो चुका है। मतलब उसका जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 313 रुपये 315 रुपये का था। बढ़िया, ठीक है, तो ये है सिगाची, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए फिर सर, एक बार फिर से बता दीजिए। करंट मार्केट प्राइस से 324 पे हम बात कर रहे थे, 1 रुपये भी बढ़ गया। वो 324 रुपये से 320 रुपये तक बाय करें, 315 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाए और 350 से 360 रुपये के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक है, ये है सिगाची पे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है।